आजकल ऐसी फीलिंग आने लगी जैसे ठंड आ गई हो। पहले ऑलमोस्ट मेरा फैन चलता था 3-4 पे, आज पूरे दिन दो से ऊपर फैन गया ही नहीं मेरा। ठंड सी लग रही है इसमें बहुत ज़्यादा। फाइनली अब ठंड आने लग गई है, फीलिंग आ गई हो ठंड वाली, इसकी देखो खुशी नहीं क्या तरह थे। सारे टॉय पता नहीं कहाँ से, इसको ना अलमारी में खोलने नहीं देती, कहीं से इसने अलमारी खोल ली और खूब सारे टॉय उठा के ले आई और यहाँ पे इसने फैला दिया। और ये कौन सा मीटेगा मैडम? चिकू जी, चिकू चिकू हाथ नीचे करो। अभी मैडम सो के उठी है, अभी मैं अगर ये सो के उठी होती और मैं रख देती ना ये टॉय, उठ के ना उधम मचा देती, मेरे टॉय क्यों रखे, किसने रखे। आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे आज एक्सरसाइज स्किप कर दें। बहुत दिनों से मैंने एक्सरसाइज छोड़ी नहीं है, तो मैं सोच आज एक दिन मसल्स को रेस्ट देते। अपने रेस्ट के लिए नहीं कर रही मैं, इट्स जस्ट दैट कि मसल्स को रेस्ट देते। मिष्टी आई है मेरे पास, मम्मा के एक अच्छा सर्कल बना दो, मुझे सर्कल बनाना नहीं आता, हम जा रहे थे सर्कल बनाने के लिए। इतना बड़ा नहीं चाहिए मम्मा। सर ये लॉइन का सर है ना? हाँ ठीक है ना, इतना बड़ा लॉइन बनाएंगे सर, देखते हमारे लोग। मिष्टी बता रही सर हमारे ब्लॉग देखते हैं, उनको बर्थडे लगा सर्कल, इसने खुद नहीं बनाया, उसने मेरी हेल्प ली है। दीदी ने मम्मा की हेल्प ली है, पता है आपको कुछ बोलो। अभी ड्राइंग करोगे? आपकी बुक निकाल दे, ड्राइंग बुक। हेयर ठीक करो अपने, कैसे हो रहे हैं? ओह माय गॉड, पुराने स्टूडियो का जो है भाई वो काम शुरू हो चुका है, तो आज वहां विजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है। और आपको दिखाते हैं पुराना स्टूडियो जो आपको पहले ब्लू वाला बैकग्राउंड दिखता था ना, वो वाला। और मौसम देखो, इधर इतनी तेज धूप है, पीछे मैंने वीडियो में ही देखा कि भाई बादल जो है वो मंडरा रहे हैं। और एक डॉग मेरी गाड़ी के नीचे बैठा है यार, इनका बड़ा डर लगता है कि किसी दिन आ ना जाए, कि तो मैं गाड़ी में बैठ के ना पहले हॉर्न वगैरह एक बार हॉन्क करता हूँ। और क्या मेरी गाड़ी भी बंद हुई है, यानी खुली हुई थी पहले से। A few moments later. स्टूडियो रिनोवेशन का अपडेट ये है कि जो मेन स्टूडियो का रूम है वो तो बहुत जल्दी बन जाएगा, वहां जाकर मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। आधा से ज्यादा जगह तो मैं जाता हूँ और मेरे को याद नहीं रहता कि व्लॉग भी शूट करना है, और इसके लिए जो भाई मुझे बहुत डांट लगती है, वो बोलती तुम कुछ शूट नहीं करते हो, तुम कुछ शूट नहीं करते हो, भैया याद नहीं रह पाता। बट एनीवेज रिनोवेशन का काम जो मेन स्टूडियो है वो तो बहुत जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। फिर अभी मैंने सोचा कि यार जब वो करवा रहे हैं तो सब कुछ मतलब पूरा फ्लैट ही जो है एक तरह से रिनोवेट करा देते हैं, उसमें टाइम लग सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा एक बार कि कैसा वो जो है बना है नया जो हमने स्टूडियो अपना बनाया है, उसमें बिल्कुल साउंड प्रूफिंग करा के, डैम्पनिंग करा के, बढ़िया से। अगर आप पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी मेरे चैनल पे तो आपको ब्लू कलर का वो स्टूडियो दिखता होगा, जिसमें बड़ा डार्क ब्लू कलर का जो है पूरा बैकग्राउंड आता था, उसी को जो है हमने अब थोड़ा सा ग्रीन कलर में करा दिया है। और बेसिकली उसमें से हमने सब चीज़ें अलमीरा वगैरह सब हटा दी है ताकि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रह जाए और हमें एडिटिंग में जो है वो काफी ज्यादा आसानी हो। तो अब चलते हैं भाई ऊपर, समय हो गया 4:05, 6 बजे करनी है योगा, और उससे पहले भाई थोड़ी सी रिकॉर्डिंग और हो जाए। आज सुबह से रिकॉर्डिंग हो रही है एकदम मक्खन, राइट? तो चलते हैं और रिकॉर्डिंग्स करते हैं, फिर योगा करेंगे। आओ, ये आप देख रहे हैं आज है 17 तारीख और 400 कुछ किलोमीटर, 467 किलोमीटर चलिए, 10-11 की एवरेज आ रही है। एवरेज इसके भी खराब हो गए जब एक दो चक्कर गुड़गांव के लग गए, अदरवाइज इसकी एवरेज लगभग 11 की रहती है, राइट? और ये लास्ट डीजल मैंने इसमें भरवाया था 23 या 24 तारीख को शायद, या शायद जब हम वापस आ रहे थे, जब मैं पनकोट गया था लास्ट ट्रिप पे, तब से लेके अब तक भाई हाथ नहीं लगाया। मतलब थोड़ी गाड़ी चलती है और ज़्यादा डीजल की एज सच जरूरत नहीं पड़ती है। बाहर मौसम बहुत ही ऑसम हो रहा है दोबारा से, मन कर रहा है गाड़ी में जाएँ कहीं लॉन्ग ड्राइव पे। मैं ड्राइव करूँ, मुझे गाड़ी चलानी आती है, बट वो लॉकडाउन से पहले सीखी थी, थोड़ी बहुत चलाई, बट जैसे ही वो मेन पे जाने की बारी आई लॉकडाउन लग गया, तो अब हम बैठे हैं। बट अब मेरा मन कर रहा है कि मैं गाड़ी चलाऊँ। सर की गाड़ी चलाना तो मेरे लिए बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल है, जो सीखते हैं ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। वृंदा की गाड़ी चला सकती हूँ मैं, पूजा की गाड़ी भी बड़ी है थोड़ी, तो किसी की गाड़ी मिले और मैं जाऊँ उसे चला के आऊँ मस्त एकदम। कुछ क्या सोच रहा है ये, आज मैं सुबह सुबह कम्फर्टर रखना भूल गई, गलती से बाहर रह गया। ये जब ऊपर बैठती है कम्फर्टर चिपका के लेके बैठ जाती है, इसको रखना नहीं है क्या? अभी नाइट नहीं हुई है, अभी जो डे है बेटा, इसको रख दें। लेके दिखाओ जरा, दे दो भाई, इसको रख दें। ओ, दे दिया, क्या बात, तो अच्छा बेबी हो गया।
एक बार में काम कर दिया मम्मा का। मिस्टी कर रही है क्लास, वो थी ना जरूरी है, फिर तो बिल्कुल ना देती, इसको लगता है कि मैं इससे लेके मिस्टी को दे रही हूँ। चीकू क्या खाएगा, क्या खाएगा बता दे, मम्मा क्या बनाया चीकू के लिए बता दो ना, क्या बनाया, कोई बता दो यार क्या बनाया, फिर मैं अपनी मर्जी बनाती हूँ, फिर तुम बोलती हो मम्मा नहीं नहीं नई चीज़ सीख गई है, कुछ नहीं खाना होता ना मम्मा, नहीं क्या देख रही है भाई, अभी देख के रो रही थी ना तो इसको डीडीएल से देख के रो रही है, नहीं पता क्यों रो रही थी मैं तो बता दे। अरे यार वैसे देख रही थी देखो, मैं राज रखता हूँ क्या